सो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है gamers.abk के बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि थैच हाउस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, थैच हाउस बनने से पहले हमें थैच फाउंडेशन की ज़रूरत है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, थैच हाउस बनने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए वो वाइट बॉक्स में दिख रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो ब्लैक में दिखेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिल्ड करना। सो हमने यहाँ पे देख सकते हैं थैच फाउंडेशन बना लिया है। हम अब यहाँ पे किस कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं और उसे रोटेट भी कर सकते हैं। सो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपको जो है प्लेस करना है। सो फ्रेंड्स, अब हमें थैच डोर फ्रेम तैयार करना है। तो मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी सेम वैसे ही करना है, तो आप देख लीजिए। तो आप ये तैयार हो गया है, तो हम इसे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो आपको भी सेम मैं जैसे कर रहा हूँ आपको वैसे करना है। हाँ ठीक है। सो दोस्तों, डोर बना लिया है। हम अब उसे दोनों हुडन डोर फ्रेम के बीच में प्लेस कर देंगे। सो अब हम दीवारें बनाएंगे और प्लेस करेंगे। तो ये देख सकते हैं, सो आपको अब दीवारें प्लेस करनी है। मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी वैसा ही करना है। सो दोस्तों, आपको जो है घर डबल हाइट का बनाना है। अगर आप सिंगल हाइट का बनाते हैं तो आपको बाद में तकलीफ़ हो सकती है कुछ कुछ चीज़ों घर में लगाने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें पड़ी रहती है बहुत। तो आप सिंगल हाइट वाले घर में नहीं लगा सकते, तो आपको डबल हाइट वाला घर चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डबल हाइट वाला घर ही बनाएं। अभी हमारे पास थैच कम पड़ रहा है, तो अब हम थैच कलेक्ट करने को जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम थैच निकालने के लिए स्टोन पिक का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा थैच निकलता है। तो दोस्तों, आप फाइबर कम पड़ रहा है, तो हम फाइबर कलेक्ट करने जाएंगे। तो फाइबर सिर्फ हाथ से कलेक्ट होता है, तो हमें फाइबर जो है छोटे पेड़ों से मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे पेड़ों से मिलेगा। हाँ देख सकते हैं, ऐसे छोटे पेड़ों से आपको फाइबर मिलेगा। तो दोस्तों, अब शरीर में वाटर लेवल कम हो रहा है, सो अब हम जो है पानी में डुबकी लगाएंगे। सो देख सकते हैं आप, पानी का लेवल बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो आज अब हम जो है वो टॉर्च वेपन बनाएंगे। तो आप देख सकते हो, आपको भी सेम ऐसे ही बनाना है टॉर्च वेपन। तो देख सकते हैं, बन चुका है टॉर्च वेपन हमारा, पूरा घर उजाले से भर गया है। हा हा हा। सो अब हम हमारा घर का काम शुरू कर देंगे। तो अब हम जो है वॉल लगाते हैं फिर से। तो अब बस दोस्तों, अब हमें छत लगानी है, फिर हमारा घर तैयार हो जाएगा।
सो मेरे ख्याल से थैच बहुत कम है, हमें और लानी पड़ेगी, देखते हैं। सो अब हम थैच कलेक्ट करने जाएंगे। सो उसके लिए हम स्टोन पिक का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब इसे तोड़ते हैं। स्टोन पिक से तोड़ने से हमें ज़्यादा थैच मिलेगा, ये याद रखिए। तो जब हम क्राफ्टिंग करते हैं ना, तब हमारी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, और जब क्राफ्टिंग ख़त्म हो जाती है तब हमारी स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो अब देखिए ऊपर एक लोडिंग जैसा कुछ तो हो रहा है, वो ख़त्म हो गया, तो हमारी फिर से स्पीड नॉर्मल हो गई है। सो चलिए अब हम छत लगाते हैं। दोस्तों आप हमारा थैच हाउस हो चुका है तैयार। तो आप ये तो सिर्फ सिंपल हाउस है, आप बहुत से तरह के जो है वहाँ पे आप घर बना सकते हो इस गेम में। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।